तरकारी उरकारी सब धो देलिए हां हमरा दाई के बट नीच लाग गई है पूरी भो गेलै भो गेलै सबटा व्यवस्था हां हां भो गेलै खाली हाथे केना जइतियै कई द्वारा नै यहां के कालो सानी कुछ बना दियो पूरी बना दियो खीर बना दियो तरकारी बना दियो ताकि बेटी न लके जबै तब बेटियो हमर खेत आ हमर जमाइयो खेतै हां सही बात कहलिए आइ देखियो भगवान के लीला एते दिन ओइ दरबार में हम खटै छलौ आइ मजदूर बन के आइ देखियो कुटुंब बन के हम जबै ओइ दरबार में सही बात सही बात समय नै छै समय नै छै ल हे ओरिया के ल जाय हे ओरिया के छिलकै नै खीर सब छिलकै नै द दे नै का क दे यै द दे लो ठीक छै हम चले छी त कहलौ कि जाय त हमरो दिया कह देबै कि तोरा मैं पट याद करै छलौ जाय छी त दाई के कह नाम एक रति नै निक लागै यै जाय छे त सबटा बात कहबे आ दाई के हम कहबे फोन क दे हमरा के से हम छे ले फोन करबा बतिया दे हां हां हमरा बड़ा कुर्सी पर से एना या एना के रख ले हम चले छी हां हां के दाई माल जाल पोसे में तनका भीड़ होई छ या ए घास कर भूसा कर कुट्टी काटा माल के सानी बोझा आई जहना भीड़ में मेंग हुआ बुनी हुआ लो घास काटे लाय अबे आ त दूसर दूध होई है त मऊ भी सब की काला देना दिया 30 रुपए 25 रुपए मुने झरका देवे ओकरा जे 30 रुपए 25 रुपए देवे ओकरा दूध आ देखी केते पानी लागल है ऐसे में का की करियो इनी से जनेरी काटिए तो सब जनेरी काट के लइए गेले छिए का आ घास हो गेले बड़ा नीमन आ मेंग बुनी के दिन में घास केना काटू पानी लागल है का देखे छिए ओई बगल घास भैंसी भोकरैत होते घरे हरियरी बगैर त खैबे नै करै छै हां केता केता ई के हां ये या क्या थी है फपिदा चाची 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 फपिदा चाची ये बाबू मामा ये हरिया चाची हमरा जिंदा नहीं छोड़े इन पिया मरे हमरा जिंदा नहीं छोड़े चल क्या ये बाबा क्या आ ये दा आहा के त बियाह में चला घर मालिक के घरे राजमहल में के बियाह कर के माय बाबू के निमन छे बात बाबू हम बैठो 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 गेदा गेदा की बोल बोलो ये चाची हाँ। लड़की के माँ बाप अपना जनता में अपन बाल बच्चे के शादी नहीं के घर में करे ताकि हमारे बेटे जिंदगी भर खुश रहे लेकिन हमारे किस्मत देखिए केहन छे केहन हमारे किस्मत है शादी करने के बाद ससुर में रहे के मन नहीं करे नहीं रहे के मन की करबे शादी बियाह हो गेल तो ता रही के नहीं होय लेकिन चाची अही कहियो आए कहियो के ना रहिए हमर माय बाबू तो बड़ निक सोचल के कि अपने गरीब छी हते ऊंचा घर में हते बड़का घर में हमर बेटे की शादी हो तो धन दौलत लग जिंदगी भर राज करे तो महल में रानी बन कर रह लेकिन इने सोचल के कि एक नाबालिग हमर बेटी और एक 70 साल के आदमी के जोड़ी के ना मैच करते ये बउआ हम तो वही यहाँ के घर देखी के दिन देख ली हमरा वही ने पसंद रहे वही यहाँ के माय के कहली देखबे कल यहाँ के माय के ना कहकर हमरा पर बोला यहाँ के माय बाबू के कोई बात माने या आ लोग बेटी के बियाह शादी कल का जोड़ी मिला के कैलक नीम के लागल यहाँ के माय बाबू तो रुपया पैसा में भुला गेल समझ में कल बेटी हमरा 13-14 साल का कहा 60-70 साल के बुढ़वा से बियाह कर दिलती घर में रह ये बाबू मके केते निक रहै छलै गे दया गे दया या बैठले त चाची चाची कने रहै छलै आ कोन हालात क लेल छै जनेरी के खेत में गर्मी के मौसम में चाची होत बे नै ओ दारू सारा पी क हमरा से ते बहुत गलत बिहेवियर करे हमरा बड़ डर लगत रहे बड़ डर लगत रहे हम भाग गेली लेकिन तैयो हमर पीछा करते करते अरे बढ़ते रे बढ़ते पता नहीं कहां गेले हम लोग जनेरी में नुकाल ना हम जनेरी में नुकाल चलो घर चलो चल चाची हम नहीं जेबे घर हमर माय बाबू की कहता है नहीं कुछ कहता चलो हम समझाब यहां के माय बाबू के
हाँ भी घर में नहीं जाए देवला दोस्त हम शादी ब्याह कर नहीं चल सी अगर वो हमरा घर आ जाते तो कल चले कतो ने तोरा जिंदा छोड़बो कतो ने छोड़बो जहां से हो तो वहां से उठा के लग चले बस ये कर ये दाय तो कथी करू चाची हम अपने घर रह दिए ना हमरा घर घर रह दिए ना हम लोग का करे जा ओए तो ढोरा मालिक से हमरो डर लगे जे हम का करे जा चाची नहीं केकरो ल बाछे ओका डकुबा देखे छी कैसन है का सुनू ना ठीक है हमर भूसा वाला घर है ओई में आहा छुपे छापे रहम आहा के जखन हम खाइ पिरा देम खाइबो ओई घरे में रहम आ निकल निकल चल चल हम जते कर दा के तो दुख हो गेले के दैया ए कहां गए कहां कहां के बेटी अरे बेटी कहां गई यहां के बैठ ना बैठा बाद में कहां कहां के बेटी अरे पाहुन केहन बात करे छी दाई हमरे त कहां आइले अही साथे ल गेल छल के दाई हमर ए आहा के दाई हमर इज्जत पर काली पॉइंट क आ घर से भाग गेल है पाहुन केहन बात कर रहल छी हमर बेटी अभी 12-13 साल के है अखन ओकरा दुनियादारी कुछ नहीं पता छ आखिर हमर बेटी गेले त गेले कत्ता आहा ने खोज लिए हमर बेटी के खोज लिए ने हमर बेटी के खोज ल न हां त काफी दूर तक पीछा केलो काफी दूर तक हमर स्टाफ और हम लेकिन कतो अपना पता गेल खा पता नहीं लागल कहल जे रोशन बुआ हां जल्दी सब गेट खोला लखन कनी जाय के है हमरा कहलु जुगा लड़का का मालिक नहीं छथिन घर पर मालिक नहीं छथुन घर पर हां बुझ मालिक कता चल गेल हो से का हमरा नहीं पता लेकिन अंदर कोई नहीं छै कोई नहीं छै ना हमर बेटियो नहीं छै ना बुझ हमर बेटिया पाहुन कता चल गेल खुन हाय हमरा बुझाइया पाहुन क्या लेथुन हमरा बेटी के लख बाजार सब घुमबै ले कत घुमबै ले लग गेल हथिन कालिया के बुआ हां इला इस सनेस के मोटा हमर बेटी एता ना हां त तो ठीक है काका ठीक हम चले छी हां जा जा चले छी हां ठीक है हे भगवान हमर बेटियो नै छै घर पर नै पाहुन छै कहलिए मुलाकात अपना बेटी से क के जाब भेट घाट क के जाब आ से देख घरे पर नै छै त ककरा से मुलाकात करिए चाची हम त बड़ डर होया अन बात के लक कि कहीं ओ सब कुछ त कोई त अत तक आ जते तब तब की होतै आहा चिंता नै करू ओकरा से को थोड़ा पता है जहां हमरा अंगना में छियै आ ओ सब के जानि गेले हम त के चोरा के नै रखने छै अपना अंगना में ए चाची पैसा वाला आदमी कुछ भी कर सके हमार डर हो या ई बात आखिर कब तक हम ना रहब नुका क कहिया तक ई बात आहा सही कहै छी ये दाई को बात कहू छी हम आहा के अगना जाय छी आहा के माय बाबू से बात करे छी कहीं बात मान जाय से हम माय बाबू से की बात करबे हां की बात करबे की कहबे हमर माय बाबू के कहो ना की कहबे यहां कहबे की फोफी दाई के अबे घर में नहीं जाय दियो अब तई रह दियो क्या तो उलर का ठीक नहीं छे ओकर घर तो मरता एकदम हैमान है आ इंसान नहीं हो जानवर है जानवर आदमी के कोनो चीज का खा जावे ला वो इंसान ही ये चाची हमर माय बाबू के समझ में कोई भी बात नहीं है ते अगर कन को समझ जे रहते ना हमर माय बाबू के तो हमर नाबालिग में शादी ने करते कते कहित रह गेलिए कि माय गे बाबू हमर पढ़े के उम्र है हमरा पढ़े लिखा था तैयो शादी करवा देला हमरा जो तू ओ घर में राज करबे राज रानी बन कर आबे यो ने सोचल गए कि हमर बेटी के उम्र ओ आदमी के उम्र में जमीन आसमान के फर्क छे यो ने देखल के अब की हम करू से कुछ ने फुराया आइए दा आहा कोई चीज माय बाबू के नहीं कहेला तहे समझ आगे के समय यहां केना काटबे आ केना बीतीत होत आगे के समय कई दिन हम चोरा नुका अपना घरे रखब से तो सही बात कहे छे चाची आगे के जिंदगी हमर को ना बीतते हमरे कुछ ना कुछ सोचे पड़ते लेकिन हम तो आइजु के पढ़ा लिखा लड़की छी अब आगे कोई ना कोई ठोस कदम हमरे उठावा पड़ते हे भगवान हमर बेटी कब तक चली गई घर छोड़ के हम मालिक से द्वारा ब्याह शादी कर दिए कि हमर बेटी अत शादी ब्याह कर के जाते तो सुखी से रहते हमरा बेटी के कोनो दुख तकलीफ नहीं है हे भगवान तू हमर बेटी के रक्षा करिए रक्षा करिए बुझा ये कोनै कथी ला छी यहां आई की भेल किया कोनै छी यहां चलो बेटी लंग गेलिए तो बेटी से भेंट मुलाकात भेल कहां भेल भेंट मुलाकात केते आशा लका गेल चल जे बेटी लंग जाय छी कनी बेटी से कनी पतिया आ से देख छेबे ने छले दाइयो ने छलखु आ नै पाहुने छलखु कत्ता से रहता कत्ता से दाई अपन घर छोड़ के भाग गेले घर छोड़ के भाग गेले की बात बाजि रहल छी यहां हमर बेटी घर छोड़ के भाग गेले आ पाहु नै चल के ना और कहे चल के कि यहां के बेटी हमरा मुंह पर काली पोछ के घर से भाग
की हम सुन रहा छी ओना के हम अपना बेटी के ओई मालिक साथे विवाह केलो कि हमर बेटी ओई घर में ओई राजपाट के मालकिनी बन के रात खुश रात अस्य हमर बेटी ओ घर छोड़ के भाग गेले घर छोड़ के भाग गेले आखिर गेले त गेले कता नहीं हमरा ओ त एले नहीं मालिक ओ त छत त गेले कता हमरा त की समझ में नहीं आबैया कि समझ में नहीं आ भैया 14 साल के हमर बेटी है आए हां उ तो अखन नादान छे अखन तो ए सब के बारे में कोनो ओकरा जानकारियो नहीं छे आए घर छोड़ के कथि ला भाग गेले आए घर छोड़ के अरे एतबे नहीं मालिक काल की नगर 24 घंटा के अंदर में आके बेटी नहीं मिला तो हम किस से किस कह दे हम से हमरा धमकी दे के गाल मालिक हे भगवान ये ये ना करूंगा आहो अगल बगल में कतो पता लगाऊंगा देखियो ना कतो खोजू ना अपना बेटी के कतो है ना ये हम सगरा खोज जाय छी हम कनी फ प्यार से हम पता करे छी आखिर कतो है हमर बेटी जाओ जाओ तो जाओ अगल बगल में पता करियो हम सगरा खोज लगाय छी जाओ हे भगवान जहां भी कतो हमर बेटी हो गया खाली नीक जगह रहे हमर बेटी नीक जगह रहे हम एक बार फेर जांच करू क्या हुआ एक फेर जांच करू ये क्या बात है भाभी जी कि हम अपन शादी से खुश नहीं छी नहीं नहीं हमर शादी भेल लेकिन अपन शादी से हम खुश नहीं छी हमरा दूल्हा पसंद नहीं है दूल्हा शादी कैसे हुआ था लव मैरिज या अरेंज मैरिज शादी अरेंज मैरिज हमर माय बाप जी कर रहे थे शादी लेकिन वो घर में हमें नहीं रहवा किया तो शादी तो शमके राजी खुशी से हुआ तो फिर क्या दिक्कत है सर यहाँ तो बात है अपन गांव समाज में बहुत बुजुर्ग अपना मन से बड़ खुश है एक को बेर ने बेटी से पूछे छे कि हाँ बेटी तोरा ही बड़ पसंद छो कि नहीं पसंद छो बस अपने मन से खोज कर लड़की के शादी करवा दिल जाए छे कि बेटी के कोई अरमान नहीं हो छे बेटी के कोई सपना नहीं से बड़ बुजुर्ग इनको नहीं पूछे छे सही कहा ये सर उलाय कादन ये जेठे ये कहाँ मेरे 13-14 साल के और लड़का है 60-70 साल के तो 60 साल का है हाँ इनका क्या बोलिए आप 13 साल का हाँ और ये तो नाबालिग हुई और नाबालिग लड़की से विवाह ये तो बाल विवाह हुआ तो बाल विवाह ये तो कानूनन अपराध है इनके मम्मी पापा को तो सोचना चाहिए था ना यह तो बात है सर हमारे मैं बाबू कुछ सोच में निकल के कुछ छोटे सा करके नपुर समझा के जी आप लोग चिंता मत कीजिए उनको हम जाकर समझाएंगे ठीक है दारू क्या पी रहा है दारू पीना बंद करो अरे ये भाग गए ओकरा बारे में सोचना की भाई हम तो कह छी दोसर विवाह कर लिया छोड़ू ओकर चक्कर मनसुखा ओकरा कोई कीमत पर नहीं छोड़ सके छी हम कोई कीमत पर नहीं किया कि वो हमर जान छे वो हमरा दिल जिगर और धड़कन में बसे छे धड़कन में वह खातिर तो आज तक हम विवाह शादी नहीं केलो लेकिन जगरो से विवाह शादी करी वो हमरा धोखा धोखा चल गया धोखा धोखा तैं दुआरे ओकरा सिवा हम दोसर पर नजर नहीं डाल सके छी मनसुखा दोसर पर नजर नहीं डाल सके छी मालिक कितने दिन तक ओकरा इंतजार में रहबे मनसुखा सोना के परख सोनारे जने छे और हमरा नजर में वो खरा सोना छे खरा सोना तैं दुआरे रात दिन हम ओकरे चक्कर में हम शराब पी रहल छी ओकरे चक्कर मालिक 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 ना बताओ आओ चुनालाल बाबू आओ मालिक जहां काज हमर बेटी केलक ओइसे हमर देश सरिंदा छी हम अपने सरिंदा छी ओइ के लायक मालिक माफी मांगे छी आपसे माफी मांगे छी माफी की मांगब हमरा से की मांगब हमरा से माफी अहा तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा माइक में मिला दे जी आदमी हमरा ऊपर उंगली नहीं बता सके छत आंख उठा के तक नहीं सके छत वो आदमी से हमरा हवेली पर आकर ताना मारे कि अति तोर बहु भाग गेलो घर छोड़ कर कभी लगे वाला बात मैंने सबसे बड़का धोखेबाज अहा छी जब यहाँ के बेटी के हम नहीं पसंद छो तो किया विवाह शादी कर देना आज मैं दूल्हा झटका और ओकरे चक्कर में
रात दिन सोचित रहे थी। ठीक से सुत नहीं पबे ठीक से खाना पीना नहीं खा पबे और शराब पी पी का केना तो हम जीव रहा छी केना तो मारी हम त आई सोच के आई घर में हम अपन बेटी के विवाह के लो कि हमर बेटी आई घर के राजरानी बन पाते जिंदगी भर खुश रहते हमर बेटी। लेकिन हमने सोच लो कि हमर बेटी एक दिन हमरे नाक कान कटा के नाक कान कटा दे माली जे भेदे से भेदे बात के विषय जो माली हम अपन बेटी के तरफ से हम आवाज से माफी मांगे छी केना हम विषय माफी केना हम विषय जाओ चुन्नालाल बाबू जब ही अपन हम भला चाहे छी तो अपना बेटी के ढूंढ कर लाओ जब तक कतौ हो लेकिन ओतो ढूंढ कर लाओ तखने अहाँ के भला है नहीं तो बात बहुत बुरा है। अरे तुरी के केहन समय आब गेले हो तुओ दिन हो छै विवाह के आ से भाग जाय छै अनै के इतना ललवा के बना हम केने छलिए ढोरवा से खेलके इंसान ढोरवा त हाई फाई छले ए लो में जो फैस गेले खगर पार्टी के थी में उमर पर नहीं दखल के कहां बैठ के 13 साल आ कहां बैठ के 60 साल तू पढ़े के आ तकरा जे शादी कोना लग जे करबे के सपना छले से कखनो ने पूरा भ सके छै कना न कना भाग लिया रबा भतरबा के रखने चले तो हमने भाग गेले हन बाप रे बाप एहन समय आ गेले कथी भेलै हम एगो सुनू ने एक बात कहै छी की बात चुना ललबा नै छले हां आ धरबा से शादी केने छले बेटी चुना ललबा भाग गेले भाग गेले हां अहाँ के मालूम छले कथी कहै छै तनी गांव के बात कथी मालूम ख अंडा रहै छै पेट में बच्चा उरियाय लगै छै के हिनकर कहल कन हां ए हम पूछै छी अहाँ से आ तब ना अहाँ बतबै अहाँ तऽ जाय छलियै अगना अरे हम जाय छलियै आब नै जाय छी अगना घर की करे जाउ हमरा अपना काम का से फुर्सते नै होइए हम दोसरा के अगने अगने कथी करे जाउ बुझलिया तऽ बताउ ना अहाँ हमरा नै एहन पता हम कहाँ से बता दियै हम ये पता खबर लेबे जाय छी गाँव में हम डकिया छी जागने अगने जाय छी पूछे ला कि तोरा घरे है तोरा घरे की भेल तोरा घरे नै की भेल जते मौगी के बात रहै छै रिपोर्ट तते मर्द के नै रहै छै अच्छा चाहिन बैठा छथिन यहाँ पर तनका पूरा गाँव के खबर लै छथिन हमरा इतना काम नै है जे तू दुनिया के खबर दी बुढ़वा पूछे छी हमरा जे ओकर बेटी के देखलिए त हम चला के धेने छै कह देबे त बुढ़वा त पूरा गामे हल्ला को देते हम बुढ़वा के बात नै छी जाय छी हम जाय छन हमरा सब जिला में जाय के है बाजार यहां पर जाय छी हां त खोग सही बात हम पूछलिए आ से ने हमरा ई बतेलक कनिया की बात छै से मालिक लंगलिए तो किस बात करिए मालिक जैसे जय मालिक लंग हम वर्षों से काज के लो अपन भेलू बना के रख लो भेलू के तो पल भर में तोड़ देना खबर देती पल भर में तोड़ देना मालिक तो अपना से ततिक ने नाराज भगल को ततिक ने नाराज भगल को कि अब कौन अमर मुंह देखे ना चाहे छतुनू कहे छे कि चुना लग जब तक तू अपना बेटी के नहीं हमरा होता ना तब तक तोरा से हम बात कर लेने चाहे छी ये बात बोला किन वाले के करवाए कोई है घर में बेटी के साथ है।
तोर बाप छियो ना कत चले ये हां बाबू ओ हमर बाबूचा बाबूचा न्याय मां बाप तो अपन बाल बच्चा के हर एक बात बिना कहले बुझले लेकिन तू दोनों केहन भगला बाबू केहन भगला जहां ना तो हमर उमर के ख्याल के ला और ना हमर कुछ और ये केहन व्यक्ति के साथ शादी का गतो सब भेज देला जे के हम कहियो सपना मने सोचने रहे आजकल के माँ बाप सब बेटी के बोझ बुझे लगले सोचे बेटी के शादी कर देली हमर माता पापा बाहर खत्म हो गए हम जिम्मेवारी से मुक्त भाग गेल लेकिन बाबू कोई बेटी के बारे में ककरो ने सोचे बेटी के भी कुछ इच्छा होय छे कुछ सपना रहे छे लेकिन ना सब इच्छा दबा दिल जाए बस माँ बाप के जी बोर के साथ मन होए जेहन मन होए तीन के साथ शादी कर दे और ससुर भेज दे जहिना एक पंछी बंद पिंजरा में छरपटाइत रह जाए छे उ चाकर भी कहियो आजाद नहीं भ पावे छे तहिना एक बेटी विवाह के बाद ओ अपन सासुर में तरपत रह जाए छे छरपटाइत रह जाए छे चाकर भी कुछ नहीं कर पावे छे वो पिंजरा में कैद भ करे जाए छे बाबू कैद भ का किया कि ओ वही इंसान के साथ रहे छे जकरा ने ऊ जाने छे ने पहचाने छे और ना ओ इंसान ओकरा पसंद रहे छे त एक बेटी सासुर में तरबे ने करते कहां से सुखी जिंदगी बीतेते बाबू अब तो एक और तू तो हमरा एहन आदमी के साथ शादी कर भेज देला जिनका साथ हमर जोड़िए ने मेल खाए छे जे हमर बाप बीती उम्र के लगते ओकरा साथ तू शादी कर हमरा सासुर भेज देला अब तो एक हमको ना खुश रहबे बाबू ओ तो इंसान ना हैवान छे हैवान ना हमर मजबूरी पूछे छे ना हमर मासूमियत बस ओ अपन शौक पूरा करे पला कर रहे बाबू ओ तो देख देख के हमरा डर होत रहे या हम तर पेत रहे छी छरपटाइत रहे छी लेकिन तैयो हमरा पर दरस लेकिन कोई आवे हम कहो हमर घर में के ना रहबे जिंदगी भर खुश क्या मतलब नहीं है नाबालिग लड़की को शादी की है नाबालिग लड़की यानी कि बाल विवाह मालूम है आपको बाल विवाह कितना कानून जुल्म है हैं चाहेंगे तो सभी को घसीट के जेल में बंद कर देंगे ला चलो हमरा दोनों परानी के जाकर जेल में बंद कर दे तो क्या करेंगे काम है वैसे किया तो नहीं करेंगे जेल में बंद लेकिन ला जाए से पहले एक बात के जवाब दे दिया दरोगा बाबू अरे कहा जाए कि अपना मिथिला में दहेज बंद हो चुका है लेकिन अखे तो गांव समाज में बिना दहेज के तो विवाह ना हो छे अरे जहाँ जइयो दरोगा बाबू तहाँ बेटा वाला तो 10 लाख कोई मांग के लग कोई 15 लाख मांग के लग कोई 20 लाख मांग के लग अब आ है कहियो ये काम आदमी एक गरीब आदमी कतर से होते रुपया जुटे थे और कतर से बेटी का विवाह कर दे अरे साहब वो तो बड़ा बड़ा है लेकिन इनका ऊंट भी देखना चाहिए ना उनको 60 साल के लगा के मजबूरी के कारण दरोगा बाबू एक बेटी के बाप की करे छे तो नांगर लूल कना एजेट दूती तीती बार खोज के अपन बेटी के विवाह को कच्ची का पार भजा जाए माता का बोझ हटा ले जाए और यह हम के लो हमरा पास नहीं होते रुपया होते नन्ही घर में अपना बेटी के विवाह कर दो तरीके चलते हम मजबूरी के कारण वही एजेंट बार खोज का अपन बेटी के विवाह को का अपन फिर भ गेलो हम कौन गलती के लिए दरोगा बाबू आए कौन गलती के लिए अरे बाबा ये भी सोचना चाहिए ना वो लड़की रहेगी कि नहीं उस घर में सोचिए आप अभी वाह 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 जिसको खोज रहे थे दिल्ली दिल्ली वो घर में ही पड़ा है बिल्ली क्या महफिल सजा है ए? अरे वाह यहाँ तो दरोगा जी को भी बुलाए हुए हैं क्या दरोगा जी नए नए लग रहे हो जी जी नए नए मेरे हवेली पे नहीं आए हो क्या आएंगे जरूर बुलाते हैं देखो थाना में भी कोई भी नया दरोगा आता है तो सबसे पहले मेरे हवेली पर जाके सलाम ठोकता है ना तो आप बुलाई नहीं तो आएंगे कैसे बोले तू आ जाना चाय पिलाएंगे तुमको बिल्कुल आएंगे आपका आदेश बैठो 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 हाँ
तो बाप बेटी का मिलन हो गया हो, माँ बेटी का मिलन हो गया हो, तो आप पति पत्नी का मिलन होने दीजिए। अरे खबरदार, अरे दरोगा, क्या बोल रहे हो? क्या सोच रहे हो? संभाल के बात करो। क्या सोच के शादी की है बोलो? मैं ढोरायपुर का जमेदार हूँ। कुछ भी हो, क्या सोच के शादी की आप इनके साथ? अपना उम्र देखे, इनका उम्र देखे आप। शादी सबके सामने हुआ है, इसके मां में मैं सिंदूर दिया हूँ, मंगल सूत्र पहनाया हूँ, सात फेरा लिया हूँ अग्नि का, तब जाके शादी हुआ है। अरे तो ये तो मालिक है ना? क्या ये तो मालिक थी ना? थोड़ा भी सोचिए आप। ये हम नहीं जानते हैं, वो तो उसका पिता जानेंगे। मतलब कानून का हाथ जानेंगे? कानून को आप हाथ में ले लिए हैं, हथकड़ी लगा के जेल में बंद करने के लिए जाके अभी। हाँ, दरोगा क्या दरोगा? क्या दरोगा? दरोगा जी साइलेंट हो जाओ। क्या साइलेंट हो जाएंगे? आज तक कानून का कोई वैल्यू नहीं किया। आप ही कानून मतलब बनाए हैं? हाँ आप ही बनाए हैं। पैसा है मेरे पास, पैसा ऐसे दिखाएंगे कानून को? पैसा के सामने कानून को झुकना पड़ता है। पैसा के सामने ज्यादा बात मत करो, नहीं तो अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे जेल में। जी करेगा। अरे भोगने लग गए। अरे हम यहाँ आए हैं तो दुल्हन लेकर ही जाएंगे। हमारा बेटी का छोड़ दिया, हमारा बेटी का छोड़ दिया, हमारा तो बहुत बड़का पाप हो गया। सही बात, बहुत बड़का। सही बात, हमारा बेटी के नहीं लेके जाओ। अपना बेटी के बारे में एक औरत ही सोच लो, नहीं समझ लो, और यहाँ के साथ विवाह कर दे लो, जबकि हमर बेटी नाबालिग के विवाह, बाल विवाह हो गए। अब बाल विवाह तो बुझते छे दरबा बाबू कि एक कानूनन अपराध हो छे। हम बहुत बड़का अपराध के लो, बहुत बड़का अपराध के लो, ते दुआरे लेके जाओ हमरा भाई के। हाँ जोड़ के क्षमा मांगे छी, हमरा से बहुत बड़का गलती भ गेल। अब गलती का एहसास हो रहा है? पहले सोचना चाहिए आपको, पहले सोचना चाहिए। ये बाल विवाह है, आपने सोचा ये बात को? जैने सोच लो। लेकिन आपकी बेटी रात का नींद दिन का चैन मेरा छीन लिया। मैं इसके चक्कर में बर्बाद हो गया हूँ, शराब पी पी कर इतना धूत हो गया हूँ कि हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। ढोरबा बाबू सुनिए एक मिनट, हम तो बोल रहे अभी भी इनका पीछा छोड़ दीजिए आप। हाँ ढोरबा मालिक, हाँ हमारा बेटी के भूल जाओ, हमारा बेटी के भूल जाओ, जब भले से भले वही बात के पीछे जाओ। अब वहां खुशी खुशी अपना घर जा सके। मालिक मालिक क्या है? अरे हम तो कहे छे अहां के पास तो धन दौलत है, रुपया पैसा है, आ जेकरा हाथ में पैसा गर्मी होय छे ओकर तेवर तो अलगे होय छे। छोड़ू एकरा। सही बात बोल रहे हो मनसुखा, सही बात बोल रहे हो। अरे अपना तो कैश है तो पूरा ऐश है। लेकिन सुनल बाबू, मेरे साथ धोखेबाजी कर लिए हैं, लेकिन दूसरे साथ मत करना, ये तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। चल हट। अरे वाह चुनाल बाबू वाह, यही जो काम आप आज किए हैं वही जो कुछ दिन पहले आप किए होते तो ऐसा तो इस लड़की के साथ नहीं होता है। इनका जिंदगी तो बच गया ना अभी। सही बात करिए दरोगा बाबू, बहुत बड़का गलती हम कर देने चलो, जे यहाँ आए के हमरा एक बड़का पट्टी हटा देना, एक बड़का पट्टी हटा देना। वही ना, अभी खेलने खिलाने का इनका समय है, तब आपने इतने ही छोटी सी उम्र आपने शादी कर दिए, छुटकारा पा लिया अपने बेटी से। लेकिन दरोगा बाबू अभी हम गलती हम नहीं कहो कर, नहीं कहो कर, अब हमरा तो सीख मिल गए कि एहन तरह के काज बाबू नहीं करना चाहिए। अब आपको पढ़ाई लिखाई करना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक ना? चलते हैं चुनाल बाबू, ठीक है, ख्याल रखना अपना। नमस्कार प्रणाम दर्शक बंधु, हम दीपक दीवाना, केहन लागल अपने के कहानी जरूर कॉमेंट के माध्यम से बताएब। दर्शक बंधु एहि तरह के घटना अपना समाज में अखनो देखो के मिलैया। जी हाँ, दहेज के डर से अखनो बहुत एहन माँ बाप छथि जे अपना बचिया के विवाह एहन घर में कह दे छथिन कि पूरा जिंदगी वो बचिया कनैत रहै छै, जेनाहिते पिजरा में एक पंछी चल जाए छै और जिंदगी भर आजाद होय के लेल तड़पैत रहै छै, तेनाहिते विवाह के बाद एक बेटी चाहे कभी किछु नहि कऽ पबै छै और ओहि व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारा पड़ै छै जे व्यक्ति के उन्हें जानै छै नहि पहचानै छै। तऽ दर्शक बंधु हम तऽ इएह कहऽ चाहब कि गाँव घर में अखनो जे बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति छथिन
ओ लड़का देख ला जाए छथिन। बड़ बढ़िया जे अपन संस्कृति छे जे परंपरा छे सब किछ के देखत हेबाक चाहिए बियाहदान। लेकिन एक बेर ओ बचिया से भी पूछ लेबाक चाहिए ओकरो भी किस सपना छे, एक बेर ओकरो भी देखा देबाक चाहिए, एक बेर दुनू के जोड़ी भी देख लेबाक चाहिए कि दुनू के जोड़ी मिल रहल छे कि नहीं, एक तरफा विवाह नहीं हेबाक चाहिए। तो अहाँ सबके वीडियो केहन लागल जरूर कमेंट में बताएब और इहे तरह के मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक वीडियो देखबाक लेल हमर सबके यूट्यूब चैनल AM फिल्म प्रोडक्शन के अपने सब सब्सक्राइब करू, लाइक करू और शेयर करू और फेसबुक पेज मैथिली कॉमेडी ढोरबा और चूनालाल कॉमेडी के भी अपने सब फॉलो करू। फिर मिलब नया वीडियो लगा एक साथ। जय मिथिला, जय मैथिली।